आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। तो अब भाई किसी की बात सुन भी लेते हैं। आपका बिलीफ लेवल, वो बिलीफ सिस्टम वो नहीं है जो मेरा है। सो आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जिस इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, क्या 9 जून को पाकिस्तानी बॉलर्स ही बॉलिंग कर पाएंगे इंडिया के गेस? क्योंकि इंडिया के बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करनी है, इंडिया के बॉलर्स ऐसी बॉलिंग करेंगे। आज वो फिर भी एंड के ऊपर इतना जोर नहीं लगा रहे थे, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान वो फुल जोर लगाएंगे। बुमराह ने तो बिल्कुल जो है वो बॉलर्स को हिलने का मौका नहीं दिया, जिसको बोलते हैं ना बैटर्स को हिलने का मौका ना देना, वो वाला काम आज जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बैटर्स के साथ किया, आयरलैंड के बैटर्स के साथ। रोहित शर्मा जैसा कप्तान, उस जैसा माइंडसेट मैं लिख के देता हूं, इस टाइम प्रेजेंट क्रिकेट में किसी के अब्बे के पास भी रोहित शर्मा जैसा माइंडसेट नहीं है। ओ मेरे बाबर का क्या होगा, 9 जून को मैंने घंटे का तो बच जाएगा घंटा। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग हमें देखने को मिल रही है। वो टीम जो एक टाइम में फेमस हुआ करती थी अपने बल्लेबाजी के लिए, अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है। इंडिया ने ये चीज आपको बताई है कि वो किसी एक बॉलर पे किसी एक बैट्समैन पे किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करते, वो पूरी टीम आपको मिलके परफॉर्मेंस देगी। आप मंजी ठोक के रखती है, ये अगर कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। इतना जो है वो बड़ी जो हाइप बनाई जा रही थी, क्यों जी आयरलैंड आएगी भाई, आयरलैंड इंडिया के लिए खतरा है भाई, आयरलैंड वाले इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंडिया ने आयरलैंड की जो बोलती है ना वो बंद करके रख दी है। जितना मर्जी हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर लो, जितना मर्जी आप जो है वो इंडियन टीम को ट्रोल कर लो, लेकिन जब वो एक होके खेलते हैं उनसे बेहतर कोई टीम नहीं होती, ये आज इंडिया की टीम ने आपको बता दिया। जसप्रीत बुमराह की बात करें भैया, कमाल, 4 ओवर 6 रन 2 विकेट, ये है भाई जसप्रीत बुमराह, इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर। यकीन करें कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही डर है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे एक ही डर है, वो डर ये है कि 9 जून को हमारे साथ क्या होगा, 9 जून को पाकिस्तान के साथ क्या होगा, 9 जून को पाकिस्तानी बॉलर्स कैसी बॉलिंग कर पाएंगे। सवाल तो सबसे बड़ा ये है, जो इस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है हार्दिक पांड्या ने, जिस तरह की जबरदस्त बैटिंग किया जो है वो सॉरी बैटिंग क्या को बॉलिंग किया हार्दिक पांड्या ने, जिस तरह की जो है वो बैटिंग किया आज, बॉलिंग किया आज जसप्रीत बुमराह ने, बजा दिया पकड़ के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2024 का अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड की टीम को मात्र 97 रन पर रोक दिया। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए एक शानदार जीत हासिल की, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के पसीना छूट गई है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पहले भारत की टीम सिर्फ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस समय भारत की ऐसी गेंदबाजी हो गई है जैसी गेंदबाजी दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तानियों की इस मैच को देखने के बाद उनकी हवा टाइट हो गई है और उन्होंने अभी से ही अपने बॉलरों को चेतावनी देना शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया वालों का कहना है कि यदि भारत से 9 जून को पाकिस्तान को मैच जीतना है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर को इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी जिस तरीके से भारत के गेंदबाज कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को लेकर। आपने भी नोट किया होगा 50 के ऊपर जब 8 थे उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया खुद से रन खा रहा हो, थोड़ा जिसको कहते हैं मैच को इंटरेस्टिंग करने के लिए खुद से रन खा रहा हो, ये लोग चाहते हैं बुमराह को लगा के यॉर्कर मारता वो आउट हो जाते उसी टाइम पे, लेकिन ये जिसको कहते हैं ना खुद से जैसे उन्होंने रन करवाए हो और बड़ा बचाया हो। लेकिन दोबारा से कहूंगा कि यहाँ पे जो इंडिया ने बॉलिंग की है टेरिबल किस्म की बॉलिंग थी, सवाल सिर्फ यही है क्या पाकिस्तान के बॉलर्स इस पिच के ऊपर इस ग्राउंड के अंदर इंडिया जैसी बॉलिंग कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते तो फिर क्या फायदा, किस काम की बॉलिंग होगी? सवाल मेरा है शाहीन शाह अफरीदी से, सवाल मेरा है नसीम शाह से, सवाल मेरा है मोहम्मद आमिर से, सवाल मेरा है हारिस रऊफ से। ये आप देख रहे हैं, कल बाबर आजम ने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हम सारे मैचेस देख रहे हैं, तो ये भी आप देख रहे हो जिस तरह से अर्शदीप सिंह नए बॉल से बॉलिंग कर रहा है, इस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को भी इस अगले मैच के अंदर 9 जून वाले मैच के अंदर इस पिच के ऊपर ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब जो रिपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है कि इसी विकेट के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है।
इसी विकेट के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो शाहीन शाह अफरीदी आप सुन लीजिए, अगर अर्शदीप पहले ओवर में विकेट निकाल रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि आपने पहले ओवर में रोहित शर्मा विराट कोहली की विकेट निकालनी है, ये आपका काम बनता है। बजा दिया पकड़ के, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जबरदस्त जो है वो आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है। टीम इंडिया ने पकड़ के आज बजा दिया है, मतलब आप अंदाजा, मुझे समझ नहीं आ रही यार ये पाकिस्तान का क्या होगा उस दिन, और मेरे बॉबर का क्या होगा उस दिन, बॉब्जी का घंटे का क्या होगा उस दिन। इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा किसी को, वो बख्श ही नहीं रहे किसी को। यार बाबर आजम का क्या होगा उस दिन, क्या करेगा बाबर आजम, खेल पाएगा हर्षदीप सिंह को, खेल पाएगा जसप्रीत बुमराह को, खेल पाएगा मोहम्मद सिराज को, खेल पाएगा हर्षदीप सिंह को। और हर्षदीप सिंह वसीम अकरम लग रहा था मुझे, मैंने अपने ग्रुप में ये चीज भी लिखी है, ये हर्षदीप सिंह है या वसीम अकरम है जो खेला ही नहीं जा रहा। और भाई क्लास है उन लोगों की, वो एक बन के खेलते हैं, और जिस दिन वो एक बन के खेलते हैं ना, वो फाड़ देते हैं सबकी, डंडा बजा देते हैं सबका, पकड़ देते हैं। और आज उन्होंने यही किया, मतलब आप अंदाजा लगा दो, इतनी भी थकी हुई पिच नहीं थी या इतनी भी थकी हुई आयरलैंड की टीम नहीं थी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। आप अंदाजा लगाओ ना कौन सा आयरलैंड का बैट्समैन इनकी इनके बॉलर्स को खेल सका है। और लाजवाब किस्म की पहले जो है वो इंडिया ने बॉलिंग की है, साथ में फील्डिंग भी लाजवाब किस्म की। आखिरी जो खिलाड़ी है वो फ्री हिट बॉल था, ऐसा लगा शायद आउट नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर रन आउट हो गए जनाब, जो है बाहर चले गए। और 96 रन पे जो है वो अपने बोरी बिस्तर उठा के आयरलैंड के बैटर्स बाहर चले गए। क्या कमाल की जो है बॉलिंग देखने को मिली है। इंडिया ने जो है पहले बॉलिंग का फैसला किया था और ये फैसला बड़ा दुरुस्त साबित हुआ इंडिया का। और साथ में अगर देखा जाए तो पिच के हिसाब से इंडिया ने बॉलिंग अच्छी खिलाई हुई थी, बॉलिंग इंडिया ने पिच के हिसाब से बड़ी कमाल की खिलाई हुई थी। चार जो है इंडिया के पास पेसर्स मौजूद थे जिनमें हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, और चारों के चारों ने भाई साहब जो है वो बिल्कुल बॉल को सूखने तक नहीं दिया आयरलैंड के बैटर्स को। आप देखें अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स 35 रन, 2 विकेट हर्षदीप सिंह ने लिए हैं। स्टार्ट में ही आके जो कमर तोड़ के रख दी थी उनकी, फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी की तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत के बल्लेबाज तो पहले बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते ही करते थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी यूनिट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी है। वो हार्दिक पांड्या जो IPL में बिल्कुल किसी भी तरीके की गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था और लोग कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या इसमें फॉर्म में नहीं है, उसने जैसे ही भारत की जर्सी पहनी है उसने अपना अलग रंग दिखा दिया है। हार्दिक पांड्या ने आज जिस तरीके की गेंदबाजी की है आयरलैंड के खिलाफ, उसने तो बिल्कुल आयरलैंड की टीम की कमर ही तोड़ दी है। और हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई गेंदबाज ही नहीं है, तो फिर हम कैसे भारत से 9 जून को मैच जीतेंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में शुरुआत करना चाहिए था उसी तरीके से की है और आयरलैंड के टीम के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। सभी लोगों ने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने के बाद उनकी बहुत तारीफ की है। उन लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा 16 विकेट पर जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, ऐसा बल्लेबाजी करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है जो दुनिया के किसी भी विकेट पर और कहीं भी अच्छा बल्लेबाजी कर सकता है और उसने आज करके दिखाया है। वहीं पर दोस्तों यदि विराट कोहली की बात किया जाए तो विराट कोहली का आज दिन अच्छा नहीं रहा और वो शुरू में मात्र 1 रन ही बनाकर आउट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी हर जगह रन नहीं बनाते और हमें उम्मीद है कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आज उनके बल्ले से भले ही रन नहीं निकला है, लेकिन अगले मैच में वो ज़रूर रन बनाएंगे, ऐसा मानना पाकिस्तानी मीडिया का भी और हमारा भी। तो दोस्तों आप लोगों का भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।